हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आइकन वेलफेयर सोसाइटी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि टैली में GST कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम GST ओपन कर लेंगे, उसके बाद हमें क्रिएट कंपनी कंपनी बना लेना है किसी के नाम से। GST के नाम से ही हम एक कंपनी बना लेते हैं जिसमें कि स्टेट और कंट्री डालना अनिवार्य है। इसके बाद हमें एक्सेप्ट कर लेना कंट्रोल से। एक्सेप्ट करने के बाद हमें फीचर चेंज करना है 11 से, और पहला ऑप्शन इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है, और सेट अंडर GST को भी यस करना है, जिसमें एक टूल बॉक्स खुलेगा जिसमें हमें GST नंबर भरना है। चलिए भरा गया, अब इसे हमें एक्सेप्ट कर लेते कंट्रोल से। एक्सेप्ट करने के बाद हमें टोटल एक्सेप्ट कर लेना है, उसके बाद हमें कुछ लेजर बना लेना है। हम सिर्फ सेल्स करने के आपको बताएंगे सेल्स कैसे करते हैं, सेल्स में GST कैसे अप्लाई करते हैं। सेल्स का सेल्स अकाउंट होता है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेते कंट्रोल से। उसके बाद GST SGST और CGST का हम एक लेजर बना लेंगे। SGST जिसका अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, या GST SGST मतलब स्टेट टैक्स, यहाँ पे कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर CGST इसका भी सेम अंडर होता है लेकिन इसका सेंट्रल टैक्स हो जाएगा टैक्स टाइप, फिर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक कंपनी का नाम बनाना है जिसे हमें सेल्स करना है। मोहन ट्रेडर के नाम से एक कंपनी बना लेते हैं जिसका अंडर सन्ड्री डेप्टर हो जाता है। चलिए इसका हमें GST नंबर भरना ज़रूरी है 10 हो गया, इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद चलिए हम कुछ स्टॉक आइटम बना लेते हैं। तो स्टॉक आइटम हम एक लैपटॉप के नाम से बना लेते हैं जिसका यूनिट भरना आपको बहुत ज़रूरी है। यहाँ सेट अल्टर GST को यस कर देना है, या ऑन वैल्यू या टैक्सेबल करने के बाद, या इंटीग्रेट टैक्स आपको 12% डालना है जिसमें कि CS सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स बराबर बराबर बढ़ जाता है, इसे एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद हम चलिए वाचर पास करते हैं। तो वाचर हमें सेल्स का जो कि खुला हुआ है, F8 से खुलता है सेल्स का वाचर, तो सेल्स खुल गया। या पार्टी अकाउंट नेम हम मोहन ट्रेडर डाल देते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और सेल्स तो हमें लैपटॉप को सेल करना है, तो लैपटॉप हम 5 पीस का सेल करते हैं जिसका रेट मिनिमम 6000 रुपीज होगा। उसके बाद फिर नीचे आ करके एक SGST और CGST हमें अप्लाई करना है। करने के बाद यहाँ एक्सेप्ट कर लेना, तो यहाँ एक्सेप्ट हो चुका है। अब चलिए हम इसका इनवॉइस देखते हैं। तो डिस्प्ले, नीचे डिस्प्ले में जा करके यहाँ डे बुक में गए और इंटर करके ऑल पीस ऐसे प्रिंट कर लेते हैं। इंटर करके देखिए आपका इनवॉइस आ चुका है, इसे जूम करके आप देख सकते हैं। हो गया यहाँ पे फिर इसको, दैट्स ऑल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप अपना लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।